महाराज बिटिया ने नाना प्रकार से समझाओ, लेकिन परिचित महाराज जादूगर थे और बिटिया भी जादूगरनी थी, समझाने लगी ऐसे नहीं मानेंगे। तो क्या किया है नवलदे ने, अरे नागिन तुरंत भाई सिला पे गई, सुनो मेरे भाई अल्लाह बजाई पीनरे बाहर निकल के जैसे ही नवलदे नांगिल बन के सिला के नीचे गई तो परिचित महाराज ने बीन बजाई तो बाहर निकल के चली आई, एकदम तोती बन के स्वर्ग में गई। परिचित महाराज बाज बन गई पंजन में दाब लगी, एकदम से नवलदे सोचने लगी है कि अब इनसे हमारा पेश नहीं जाएगा, क्यों ये तो हमसे भी ज्यादा जादूगर हैं। एकदम से हाथ जोड़ के बोली, सुनो देखो बोलो, पिताजी तो हार चुके होंगे लेकिन आप हमें आज्ञा दो, हमें यहाँ से अमृत कुंड को जाके जाएंगे लेके अपने पिता का कोर ठीक कर देंगे, बाद में अतिशीघ्र यहीं पर आपको मिलेगी आके। ऐसे नहीं, पहले हमसे कॉल करो, आप आओगी क्यों, वापिस आओगी लौट के या नहीं आओगी, मुझे कैसे विश्वास होगा? विश्वास नहीं है? हाँ देखो महाराज, बोलो, पहले तो हम अपने पिता का कोड ठीक करेंगे, और हो सकता है पिताजी अगर बुलाएं तो चले आए। मेरी बात सुनो। हाँ।